कैसे हो आप सभी। तो मैं आ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और बाल में मैं जा रही हूँ अपने तेल लगाने, क्योंकि आज ना मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और थोड़ा रवीना को भी लगा देती हूँ, बोल रही है कि भाभी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा उसको भी लगा देती हूँ। पता नहीं हवा चली है, कौन सी हवा चली है। और आज ना मुझे भी अंदर से ना अजीब सा हो रहा है, वो शायद धनवी दिन भर रह रही है ना, मेरा फीड भी करती है, शायद इसकी वजह से मुझे भी आज लग रहा है। और दिमाग में थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन ले लिया था। धनवी रोती है ना तो फिर एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। पता है आपको, मैं ना वो वाली मम्मा हूँ जो, मतलब एक होता है ना, एक मम्मा होती है, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, वैसे टाइप करने वाली, मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा ये है कि मैं अपने एक फीलिंग ना धनवी के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा सा धनवी के साथ स्ट्रिक्ट हूँ। जैसे और मम्मा होती हैं कि पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, बट मम्मा लोग जो होती हैं वो थोड़ी सी नाजुक होती है बच्चे के साथ। लेकिन मेरे केस में है कि मेरे हस्बैंड धनवी के साथ बहुत ज़्यादा वैसे हैं, बिल्कुल ना डांटना ना कुछ नहीं, लेकिन मैं धनवी के साथ स्ट्रिक्ट हूँ। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि मैं धनवी को कम प्यार करती हूँ या धनवी को मैं डांटती हूँ या ऐसे। लेकिन आपको पता है, माँ के प्यार का तो कोई इसमें है ही नहीं कि माँ को कहने की ज़रूरत है कि मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कह देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं शुरू से ही धनवी के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ। अगर वो गिरती भी है ना तो मैं उसको उठाने नहीं जाती हूँ, मैं दूर से देख के और अंदर से वो हो जाऊँगी, बट मैं कभी नहीं जाऊँगी हाँ मेरा बच्चा गिर गया ऐसे वाला। तो उसके लिए मुझे सब लोग कह देते हैं कि थोड़ा भी अंदर मुँह माया नहीं खे, लड़का गिर गई तो ही ना कि दौड़ के उठा ली, उसके लिए भी बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, मेरा बच्चा अगर मैं वो करूँगी तो स्ट्रांग बनेगा, और मैं ज़्यादा लल्लू पचू करती रहूँगी ना तो फिर वो थोड़ा सा ना वो हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं डांटेंगे, मैं भी नहीं डांटूंगी, तो फिर उसके अंदर डर किसका रहेगा। तो इसलिए मेरा डर मुझे लगता है कि उसके अंदर होना चाहिए। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। यही कारण है मेरा धनवी के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने का। एंड कुछ लोग बहुत ईजिली कह देते हैं कि ध्यान नहीं रखा होगा इसलिए बीमार पड़ गए। यार कौन माँ अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। इस टाइम वायरल चला है जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो जा रहा है, हर घर में यही हाल है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह देते हैं कि लापरवाही की इसलिए बीमार पड़ गई या कुछ भी। आप बताइए, इस बच्चे को एक ऐसी माँ जिसने अपना एक बच्चा खोया है और एक ये मेरा बच्चा जो कि बड़ी मुश्किलों से भगवान के आगे हाथ पैर जोड़ने से तब जाके मिला है। धनवी बहुत आसानी से इस दुनिया में नहीं आई है। आपको पता है, बहुत मतलब बहुत मन्नतें, बहुत सारी चीज़ों के बाद धनवी जाके हमें मिली है। तो इसीलिए धनवी को लेके ना हम सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रहता है कि वो है। और मैं अपना प्यार धनवी के लिए बहुत ज़्यादा ऑन कैमरा या ऑफ़ कैमरा में इतना ज़्यादा ना मैं शो नहीं करती हूँ। इसकी वजह से आपकी ही बात नहीं है, मेरी फैमिली में ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं धनवी को ज़्यादा वो नहीं करती हूँ जितना एक नॉर्मली माँ लोग करती हैं। तो फैमिली में भी सबको लगने लग जाता है, बट मैं अपनी ये फीलिंग ना एक्सप्रेस नहीं कर पाती। आज शायद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मेरे लिए मेरा वो बच्चा क्या है, मैं वर्ड्स में शायद ही किसी को बता सकती हूँ, क्योंकि उस बच्चे को मैंने भगवान के आगे रो रो के गिड़गिड़ा के मांगा है हर एक दिन 9 महीने। और उसके अलावा एक बच्चा मैंने अपना खोया है, तो मुझे पता है मेरा वो बच्चा मेरे लिए कीमती है। बाद फिर मैंने थोड़ा सा रवीना के सर में मालिश किया, थोड़ा सा मैंने अपने सर में मालिश किया, धनवी के कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने सोचा कि थोड़ा सा रूम अपना क्लीन कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा धनवी को भी। और आजकल मेडिसिन वगैरह की वजह से ना थोड़ा सा मेडिसिन ज़्यादा दे रहे हैं तो थोड़ा सा स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह से भी हो जाती है। तो मैंने अपना बेडशीट चेंज किया। धनवी इधर एक दादी को हग करें, एक बात बताऊंगी। आज सुनो, दादी को हग तो करो। धनवी आपको पता है जिसमें हम कल गए थे, जिस स्कूल में पहले हम बता, जिस स्कूल में कल गए थे वहाँ पे आपका एडमिशन हो गया। एक गुड न्यूज़ मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। कल हम लोग जिस स्कूल में गए थे उस स्कूल में मेरा, धनवी के पापा का इंटरव्यू था। सो उसका रिज़ल्ट आज आ चुका है मेल पे। एंड जो धनवी का एडमिशन है वहाँ के लिए धनवी और हम लोग एलिजिबल हो गए हैं। सो अभी एडमिशन फ़ीस वगैरह सबमिट करना है, बट अभी थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं एक दो स्कूल और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा वहाँ का भी बजट लेंगे। और जो हमारे बजट के हिसाब से फिक्स हुआ, मतलब हमें लगा कि सही है वहाँ पे हम लोग कराएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आजकल बाप रे स्कूलों के रेट पता नहीं कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। और रवीना की तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा काम ऐसा है कि ज़्यादा बढ़ भी गया है।
और राज ने झाड़ू पोछा तो आके कर दिया था बट बर्तन नहीं धोया उसने, तो फिर मैं यहाँ पे सोच रही हूँ बर्तन धो रही हूँ क्योंकि बर्तन दोपहर में ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। पति देव आ चुके हैं ऑफिस से और आज एक पति जी लाए हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ है कि पहले फर्स्ट स्कूल में धनवी का एडमिशन का कंफर्मेशन आ चुका है और मम्मा पापा और धनवी पास हो चुके हैं। एंड मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ क्योंकि पति देव का वो स्कूल फेवरेट था, सपना था या फेवरेट था ऐसा कह लीजिए। अभी लेकिन दो स्कूल और है जो हम कल जाएंगे, देखते हैं उसके बाद तीनों में से क्या फाइनल होता है। इतना छोटा बच्चा गोदी, इतना बड़ा बच्चा, इतना छोटा बच्चा है। अरे छोटा बच्चा पुछ पुछ नहीं देता, पुछ पुछ तो देता नहीं। कौन है छोटा बच्चा? ये है ना छोटा बच्चा, वो है ये छोटा बच्चा पुछ ही नहीं देता है। दादी नहीं, दादी नहीं, दादी नहीं। दादी तबीयत ठीक है आपका? नहीं है, मेरा भी है। अभी हुआ कहाँ है, पैसा दिया आएगा तब तो होगा। हाँ पास हो गई धनवी, ये हुआ कि धनवी पास हो गई। कल तो लग रहा था मुझे तो धनवी और धनवी के पापा पे डाउट नहीं था, मुझे अपने पे ही डाउट था। गाइस रात को खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग सो गए थे और अभी मैं सुबह उठ गई हूँ। एक तरफ मैंने चना रख दिया है बॉईल होने के लिए और एक तरफ मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, एक तरफ मैंने चावल रख दिया है। मेरे हस्बैंड को ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी बहुत डांटती भी है क्योंकि चावल ज़्यादा खाने से पेट निकलता है, बट उनको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जब ग्रेवी की सब्ज़ी बनती है तो वो पहले ही डिमांड कर देते हैं कि मुझे लंच में चावल देना, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना देती हूँ। और यहाँ पर मैं गूंद रही थी आटा। सुबह सुबह का समय है, आज बहुत बिजी दिन होने वाला है मेरा, बहुत सारे काम हैं, सो बस लग गई हूँ। उसके बाद मैंने आटा गूंद के एक तरफ रख दिया, फिर टमाटर प्याज सब कुछ काटने लग गई दाल फ्राई करने के लिए। आप लोग हमेशा हमारे वीडियो में देखते होगे ना कि हरी सब्जियाँ बहुत कम बनती है हमारे घर पे, क्योंकि पता है आपको जो हरी सब्जी होती है ना वो हमारे घर पे खाते ही नहीं है, सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं, लंच तो बिल्कुल लेके जाना नहीं चाहते। एक मम्मी और पापा खाते हैं, बाकी हम चारों जने हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आई नो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, बट क्या करें नहीं पसंद आता है तो नहीं खाया जाता है। सो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह सब कट करके रख रही थी। उसके बाद दूसरी तरफ मैंने रख दी अपनी कढ़ाई सब्जी बनने के लिए और एक तरफ मैंने तवा रख दिया सुबह सुबह लंच के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा ना लेट हो रहा था। तो सुबह सुबह ना मुझे लगता है हर एक घर में हर एक लेडी एकदम ऐसे ना जादू हो रहा होता है, सारे हाथ मतलब सारे कह रही दोनों हाथ ऐसे चल रहे होते हैं ना फटपट फटपट, ये भी कर लूँ ऐसे भी कर लूँ जल्दी जल्दी। पता है थोड़ा पहले सो के उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम पे हो जाओ, बट थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो सारे ही काम लेट हो जाते हैं और फिर ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। बट क्या करें, सुबह सुबह ना आँख खुलती ही नहीं है, खुलती नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो आँखें ना खुलती ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी और साथ में रोटियाँ, दोनों तीनों चीज़ें एक साथ चल रही है मेरी। उसके बाद ना बाबू की रोटियाँ थोड़ी सी अलग तरीके से जाती है नमक वगैरह डाल के, तो फिर यहाँ पे वो बनाने लगी थी भाभी, क्योंकि मतलब बच्चा होता है ना भाई उनका अलग अलग होता है, मुझे मेरे बच्चे का पता होगा कि कैसे क्या खाएगा तो उसी हिसाब से। तब तक मैंने सोचा कि अपना दाल फ्राई कर लूँ, तब तक ये एक रोटी बन जाएगी। सोचा था आज धनवी को मैं भी स्कूल भेज दूंगी, बट सुबह सुबह ऐसा हुआ कि धनवी की जो तबीयत है ना वो मुझे लग रहा था कि नहीं आज रहने देते हैं क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा इधर उधर होने वाला है, तो फिर मैंने स्कूल भेज दिया तो वहाँ से थक के आएगी और फिर उसके बाद ना ज़्यादा उसका वो हो जाएगा थकान की वजह से कहीं फ़ीवर ना आ जाए। और आपको पता है कल हम हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद जो हमने मेडिसिंस वगैरह दी उसके बाद धनवी की जो तबीयत है वो पहले से बेटर लग रही है, मतलब फ़ीवर नहीं आया है, एक दो बार ही आया था उसके बाद से दवाई देने के बाद फ़ीवर नहीं आया है। तो गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हो चुकी हूँ नहा के फ्री, आज हेयर वॉश किया है बहुत दिनों बाद, बिकॉज आज जाना है हमें कहीं, है ना नानू के घर जाना है। नानू का एक्सीडेंट हो गया। अरे ठीक है, आप बता दिया है आपने, तो आज हमें जाना है मुझे और धनवी को,
और पतिदेव उधर डायरेक्ट ऑफिस से आएंगे। सो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, निकलना है 12:30 बजे तक, तो जल्दी से रेडी रेडी होना है। बोलो 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 बोलो। नानी जब ऑफिस से जा रहे थे घर, तो वो ऑफिस करके तब अभी धनवी सो के उठी है, तो धनवी को मैं नहलाने लेके जा रही हूँ। और आज धनवी का फीवर ठीक है, नहीं नहाना, लेकिन आज मैंने स्कूल नहीं भेजा बिकॉज कहीं और भी जाना है, तो फिर ना एकदम से स्कूल जाएगी, फिर वहाँ जाएगी तो थक जाएगी, तो इसीलिए मम्मा नहा चुकी है बेटा। ठीक गाइस, मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि हो गया आज थोड़ा सा लेट बाल सुखाने के चक्कर में। सो मैं रेडी होके और फिर आप लोगों से मिलती हूँ जल्दी। इस बस में जा रही हूँ रेडी होने। पहले टाइम था कि 2 बजे वहाँ पहुँचना है, तो 1:30 बजे तक निकलना है, लेकिन अभी पतिदेव का फ़ोन आया है कि टाइम से निकल जाओ, तो मैं टाइम से निकल रही हूँ, वो भी ऑफिस से डायरेक्ट निकल के, और वो पहुँचेंगे वहाँ पे, और मैं बस जा रही हूँ रेडी होने के लिए। एंड बहुत प्यारा सा मैंने आज सूट पहना है, मैं शायद आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ या इसी ब्लॉग में दिखाऊँ। बस आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, प्रेस कर दो बेल आइकन, और सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा आप लोगों ने धनवी को प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि धनवी 2 दिन में ठीक हो गई है, मतलब फीवर नहीं आ रहा है अब कल से धनवी को। बस ये प्यार जो धनवी पे है वो आप ऐसे ही बनाए रखिएगा, और खूब सारा आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा। बाकी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अंकल जी ठीक है, अंकल जी को ज़्यादा तो नहीं लगी, तो सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि ज़्यादा लगी है नहीं लगी है, कैसे हुआ, बस इतना पता है कि बाइक का आगे से थोड़ा बहुत टूटा है, और प्लस कितनी चोट लगी है जब तक अपनी आंखों से जाके देखो नहीं तब तक नहीं पता चलता है। तो अभी मैं, आप लोग सोचोगे ना क्यों नहीं गई, तो वो कुछ चल रहा है ना, कोई महीना चल रहा है, तो उसमें मायके नहीं जाते हैं कि हमारे यहाँ पे होता है भाई, जैसे होता है वैसी चीज़ें फॉलो करनी होती है। प्लस ऑफिस वाला दिन भी था कल और आज, तो नहीं जा पाई, धनवी भी बीमार थी, बहुत सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई पापा को देखने, और शायद मैं कल जाऊँगी, आज भी तो नहीं जा सकती क्योंकि आज कुछ और काम है, तो कल शायद जाऊँ मैं या परसों, देखती हूँ जैसे भी होता है, मैं पापा को देखूंगी फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कितना है कैसे है क्या है। बट पता नहीं कि क्यों हो रहा है पापा को, हर दूसरे तीसरे महीने ऐसी चीज़ें हो जा रही है, तब अंदर से ना जब ऐसा कुछ सुनो तो अंदर से बड़ा अजीब सा होने लगता है, घबराहट सा, पता है 2-व्हीलर का ना तो है थोड़ा सा ना, लेकिन क्या किया जाए भाई, सब पॉसिबल नहीं है ना, सब वो 4-व्हीलर से ही ऑफिस जाए जो, तो वही है। बाकी चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, ताकि जो वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आ जाए। और आने वाले कल समय इतने बिजी होने वाले हैं, इतने बिजी होने वाले हैं कि बस क्या ही बताया जाए, दिमाग में बस चीज़ें चल रही हैं, कब क्या पहनना है, कब क्या करना है, कब क्या, मतलब बहुत ज़्यादा होने वाला है ना भागम दौड़ भागम दौड़। बाकी दिवाली आने वाली है, और दिवाली से पहले सोच रहे हैं थोड़ा सा, देखो पूरा एकदम ना बच्चे क्या ही करते हैं, तो देखते हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस ये धनवी की न्यू बेस्ट फ्रेंड आर यू। वाह कितनी सुंदर है धनवी की बेस्ट फ्रेंड, फ्रॉक पहनी है। और मैं और धनवी घूमने जा रहे हैं ना, है ना, कहाँ जा रहे हैं, नानी के घर घूम फिर के। सुई धनवी की कहाँ रहती है, नानी के घर। अरे हम दोनों खेलते हैं। नहीं आपको हम कौन देख रहे हैं। चलिए गाइस तो हम हो रहे हैं रेडी, और मैं तो रेडी हूँ, और धनवी को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। गाइस बहुत जल्दी जल्दी मैं और धनवी आज रेडी हुए, और आप सभी को तो पता ही है रवीना की भी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो आंटी आई हुई थी, तो यहाँ पे धनवी को मैं रेडी कर रही हूँ, और ये धनवी की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। धनवी जाने का नाम नहीं ले रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे खेलना है, उसको लग रहा था कि अगर मैं चली जाऊँगी तो ये चली जाएंगी अपने घर,
अभी बस मैं और धनवी निकल रहे हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ जा रहे हैं, आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ भी हम जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय।